हमारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो हमें आदेश दिया गया था, अपने जिले के शीर्ष नेताओं के साथ हम लोगों ने अपना विधिवत नामांकन पत्र दाखिल किया है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि टिकट घोषित होने के बाद मैनपुरी पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में जोश है, उत्साह है, उमंग है, अभूतपूर्व उल्लास है, उसे साफ झलकता है कि इस बार मैनपुरी में कमल खिलने जा रहा है और भगवा लहराने का काम होगा। हम समझते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में जिस तरीके से देश को ऊंचाइयों पर परम वैभव को पहुंचाने के लिए, चाहे वो हमारा आर्थिक मोर्चे का हो, सामरिक मोर्चे का हो, गरीब कल्याण के लिए हो, किसान कल्याण के लिए हो, महिला और युवाओं की भलाई के लिए हो, उन सारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचा है। हर उस पात्र व्यक्ति के दरवाजे तक गरीब कल्याणकारी दर्जनों योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम सरकार के द्वारा किया गया है, जिससे एक एक गरीब व्यक्ति किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, आज मोदी जी को तीसरी बार देश की बागडोर सौंपने के लिए पूरी तरह तत्पर है, आतुर है। वहीं दूसरी ओर 12 से 17 के बीच में जिस तरह अखिलेश जी के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में अराजकता, गुंडई, अपराध, दंगे का काम हुआ, लोगों की जमीन पर कब्जे, चौथ वसूली, महिलाओं पर जुर्म, जाति अत्याचार के काम हुए, उसी के परिणाम स्वरूप 17 में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता ने सरकार देने का काम किया। और इन पिछले 7 सालों में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ, विकास की किरणें बही और आज दंगा मुक्त प्रदेश बना। अपराधियों को कोई रियायत नहीं मिली, जीरो टॉलरेंस की नीति पर अपराधियों के खिलाफ ड्राइव चलाने का काम हुआ और आज उत्तर प्रदेश का वातावरण इतना अच्छा बना है कि पूरे देश और दुनिया के बड़े बड़े निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आज आ रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर के जो रोजी रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जो बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है, हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनता हुआ उत्तर प्रदेश है और मोदी जी के नेतृत्व में देश का बदलता हुआ स्वरूप है, इसलिए पूरे देश की जनता ने, जिसमें मैनपुरी भी शामिल है, निर्णय लिया है कि इस बार 400 पार करेंगे और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने का काम करेंगे। और 80 की जब हम बात करते हैं तो मैनपुरी भी उसी में शामिल है। 1996 से लेकर और अभी तक मुलायम सिंह यादव खुद और उनके परिवार के लोग यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, यादव लैंड कहा जाता है, कैसे देख रहे हैं इस बार? चुनौतीपूर्ण नहीं लग रहा? कोई चुनौती नहीं, इस बार बदलाव की बिहार है, बदलाव की आंधी है, बदलाव का तूफान है। मैनपुरी ने निर्णय ले लिया है, मैनपुरी में बदलाव का निर्णय लेते हुए मैनपुरी के लोगों ने निर्णय लिया है कि मैं लड़ेगी मैनपुरी, जीतेगी मैनपुरी, और अभी नहीं तो कभी नहीं।